सो हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक करता हूँ एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले में। और आज अपन खेलने जा रहे हैं पबजी पीसी। सो गाइज, आपको भी अगर पबजी पीसी खेलना है फ्री में तो फटाफट से जाइए, स्ट्रीम में फ्री है, बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। तो अपन आज खेलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पबजी पीसी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, अपन ने पहली बार गेम स्टार्ट किया और देखो भाई क्या ही ग्राफिक्स है इसके। भाई साहब देखो गाइज, आपको स्क्रीन में ग्राफिक्स अजीब से लग रहे हैं क्योंकि मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना उसने सही से काम नहीं किया, थोड़ा ब्लरी हो रहा है लग रहा है आपको, शायद फटाफट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगली बार पक्का एकदम बढ़िया बढ़िया क्वालिटी में वीडियो आएगी। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना इस वीडियो को। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फटाफट से है वीडियो स्टार्ट कर दे। तो गाइज यहाँ पे देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है प्लेन अपना। तो चलिए अभी अपन चलते हैं मिल्टा, देखते हैं कैसा गेम है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम खेल रहे अपन तो भाई, इसमें उतरना कौन से सही टाइम में उतरने का कुछ मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं पता नहीं कब उतरा मेरे खुद को नहीं मालूम। तो अभी तो चलते हैं अपन मिल्टा, देखते क्या क्या है सीन। लेकिन भाई मेरे को बड़ा मजा आया पबजी पीसी के लिए, और भाई इससे कई ज़्यादा इजी है पबजी मोबाइल। ठीक है, पबजी मोबाइल कई ज़्यादा इजी है और इससे हार्ड भाई मैं बता नहीं सकता भाई, बहुत मुश्किल गेम है पबजी पीसी। इसमें आप रिकॉइल कंट्रोल कर लो ना, वही सबसे बड़ी बात होती है। मैं रिकॉइल करता ना पबजी में, देखो यार सुनो, पबजी मोबाइल में क्या ही, इसमें तो मैं एक तरीके से बोलूँगा कि उसमें रिकॉइल है ही नहीं। अगर इस गेम को जो खेल रहा है ना उसको पता है भाई क्या ही खतरनाक गेम है। सो गाइस यहाँ पे पड़ा था शॉटगन और मुझे शायद किसी बंदे को फर्स्ट स्टेप्स आ रहा था, मैं सोचा शॉटगन उठाते हैं और देखते हैं कि शॉटगन से कितनी गोली पर वो मरता है बंदा, नॉक होता है या मरता है, देखते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे सोलो से स्क्वाड खेल रहा था गाइस, क्योंकि भाई पता नहीं कैसे बंदे आएंगे फालतू, इसलिए मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा था। तो यहाँ पे ये बंदा दिखता है, पीक करता हूँ मैं, मेरी पहली गोली मिस होती है, दूसरी भी मिस होती है, चौथी लग जाती है इसको तगड़ी वाली। अब मुझे पता था कि वो कहाँ पे है तो मैं फटाफट जाता हूँ उसको पेलता हूँ। तो ये तो गया भाई, इसमें मस्त भाई मज़ा ही आ गया, कुछ भी बोलो। ये ना बिल्कुल असली लगता है, असली मतलब जैसे असली में फाइट होती है तो कैसे दिखता है ना वैसे, क्योंकि भाई पबजी BGMI या पबजी मोबाइल को अपन देखेंगे ना कंपेयर करेंगे तो कई ज़्यादा ईजी है। यहाँ से चढ़ तो रहा नहीं था मैं फालती, यहाँ पे एक और बंदा आता है सामने, इसको भी देखते हैं। ये देखो गाइस रिकॉइल देखो आप, अरे ये रिकॉइल देखो, ये एक गोली नहीं लग रही है उसको, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये तो पास है बंदा, इसलिए आपको रिकॉइल का पता नहीं चला, लेकिन अगर आप दूर से मारोगे ना तब पता चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पे मैं दो बंदे को निकालता हूँ, ख़त्म करता हूँ, तभी मुझे पता चलता है तीसरा बंदा भी आ रहा है, तो इसे भी देखते हैं। इसको तो इजी मारा था अपन कोई ज़्यादा, ये तो बगल में आके चिपक गया था बिल्कुल। इसको ख़त्म करता हूँ, तभी कई दूर से फायर करता भाई, हो रहा एक बंदा, पहले तो मैं सोचता हूँ नूब है, ठीक है बॉट सोच रहा था, लेकिन बॉट नहीं था भाई, बंदा था वो, पता नहीं क्या ही चला रहा था। तो गाइस यहाँ पे मैं लूट कर रहा था तभी मुझे फुटस्टेप्स आते हैं, और देखो इस बंदे को भाई क्या ही कर रहा था ये बंदा, पता नहीं। ये भाई ये स्क्वाड का लास्ट बंदा था, इसको अपन ने ख़त्म कर दिया, तो अपन ने एक स्क्वाड यहाँ पे वाइप कर दिए। तो चलते हैं अब आगे। तो गाइस यहाँ पे अब मैं मिल्टा से निकलता हूँ, गाड़ी ढूंढने के लिए निकलता हूँ वहाँ से मिल्टा से, और तभी मुझे साइड से पड़ती है, देखना अब गाइस पड़ेगी मुझे, ये देखो यहाँ पे मुझे पड़ती है, और मैं भाई मुझे बंदा दिखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा, लेकिन दिख ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के ऐसे ही उसके सामने उछल रहा था कि वो फायर कर तो देखूँ, तब मुझे लास्ट में पेड़ के पास बंदा स्पॉट हो चुका था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए, अब देखना उससे कैसे फाइट लेते हैं भाई। मैं पहले सोच रहा था कि नूब होगा आराम से मार दूँगा, भाई ऐसे कुछ नहीं था, अभी प्रो आदमी था वो भी, इसको मारने में थोड़ी तकलीफ हुई थी बस मुझे। और देखो कैसे पेलते हैं इसे, यहाँ पे मैं सांप बन गया था, लेकिन देखना भाई इसको मारना ना आसान नहीं था, इसने शायद मुझे स्पॉट कर लिया था, ये फायरिंग कर तो रहा था मेरे तरफ ही कर रहा था, जहाँ तक मुझे पता,
यहाँ पे मैं अब मैं बार बार उसको खोलता हूँ, अंदर चले जाता है। मैं इस बार हार्ड पीक लेके बैठ जाता हूँ, जैसे आएगा मारूंगा करके। लेकिन उस बंदे को कुछ पड़ा ही नहीं। अब देखना फाइट कैसे लेते भाई। देखो मेरा वो देख रहे हो आप कितना गंदा हुआ है। अगर गाइस मैं लेटता नहीं ना तो ये भाई मेरे को खा जाता पक्का। रिकॉइल देखते हैं आप अभी। वो तो मैं लेटा था इसलिए मेरी रिकॉइल, यहाँ पे मेरा गेम थोड़ा अटक गया क्योंकि लाइट जाके आई थी तुरंत, इसलिए। यहाँ पे मैं इससे लूट करता हूँ, यहाँ से भी निकलता हूँ फिर। तो गाइज अब यहाँ पे मुझे सामने दो बंदे दिखते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि इनको पहले क्लोज आने दो फिर इनसे फाइट लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ बहुत गंदी वाली चोट होने वाली है, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको, आगे बताता हूँ। तो गाइज पहले तो लेफ्ट में मुझे बंदा दिखता है, मैं इसको नॉक करता हूँ फटाफट। यहाँ पे नॉक करते मैं सोचता हूँ कि इसको भी नॉक करूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका जो थर्ड वाला बंदा वो बगल में ही है और वो मेरे को मार देगा। मुझे पड़ती भी है राइट से, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं देता, मैं फालतू फाइट लेता हूँ, ख़त्म। बगल से पड़ जाती है और यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। तो अब चलते अपन अगले गेम प्ले में। सो गाइज यहाँ पे मैं इस बंदे को मार के लूट रहा था, तभी मुझे बहुत गंदी वाली पड़ती है। देखो गाइज पूरा आधा हेल्थ गया। तो ये बंदा मुझे पहले तो दिखता नहीं है और बाद में दिखता, तो देखो रिकॉइल देखो भाई, इसको बोलते रिकॉइल, डीपी का रिकॉइल है गाइज ये। पबजी अब बीजी में इतना रिकॉइल होता है कि डीपी का। तो यहाँ पे मैं इसको नॉक करता हूँ। तो अपन को क्या रुक रुक के मारना है, फायरिंग अपन ऑटो करते रहे, ऑटो में अगर फायरिंग करेंगे ना तो भाई रिकॉइल तो होगा इसमें, अपन को बर्स्ट मोड में चलाना पड़ेगा ज़्यादातर। इन देखता हूँ धीरे धीरे करके रिकॉइल अपन कंट्रोल करना सीख जाएंगे भाई। अगर इसमें रिकॉइल कंट्रोल सीख गए तो फिर तो पबजी तो कुछ नहीं है अपने सामने। मैं यहाँ पे फटाफट से लूट करता हूँ और निकलता हूँ, फिर मैं सेफ अपना आपको सेव कर। तो अगर यहाँ पे मैं उसको लूट के इस घर में आता हूँ, तभी मुझे ये चीज़ दिखती है, इसका नाम रहता है साइकिल, पता नहीं कौन सा साइकिल रहता है। तो मैं इसे उठा लेता हूँ, ठीक है। अब देखना गाइस, भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे पूरे इस गेम में, पबजी पीसी में भाई। इसमें ना तो अपन को पेट्रोल की जरूरत है और अपन इसको कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ अपने बैग में। ये भाई मस्त लगा, और चलती भी तगड़ी है भाई ये गाड़ी। लेकिन मेरे साथ अभी यहाँ पे चोट हो जाएगी, क्योंकि मैं जाता हूँ साइकिल लेके मज़े में, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होती है। और यहाँ पे मैं ठोक देता हूँ इस पर ऐसे, और तभी भाई ये मुझे बैठने का क्राउच करने का मौका ही नहीं दिया भाई। जो भी बंदा मुझको मारा है भाई, बहुत गंदा मारा है। यहाँ पे अपना खेल ख़त्म हो गया। तो गाइज मेरे पास एक और क्लिप है लास्ट गेम प्ले, तो देख लो वो भी। पर अगली बार से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अच्छा गेम प्ले बनाएंगे बढ़िया सा, क्योंकि अभी तो अपन स्टार्ट नए नए हैं ना, तो बंदे भी नहीं आ रहे ढंग के, बॉट वगैरह आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। तो मैं तो फर्स्ट गेम प्ले ऐसी बना दिया था, क्योंकि कोई पबजी पीसी के ऊपर बनाता नहीं है तो मैंने बनाया था। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर ऑल पे कर दो, क्योंकि आने वाले हैं तगड़े तगड़े वीडियो। अब लेके आऊँगा कम से कम 15-15 किल के साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को आगे बनाते हैं, फालतू बकवास कर रहा हूँ मतलब। तो गाइस अभी मैं जॉर्ज पुल उतर जाता हूँ, मुझे मिलती है शॉटगन, और शॉटगन चलाने का मज़ा कुछ और ही है भैया इस पबजी पीसी में। तो यहाँ पे मुझे सामने बंदा दिखता है, देखो उसको डैमेज, दोनों गोली पड़ेगी इसे, पता नहीं कितना डैमेज हुआ होगा पर पता नहीं। चलो अब ढूंढते हैं गन फिर फाइट लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिल जाता है AKM। अब चलते हैं फटाफट से बंदे को ढूंढने के लिए। तो मैं यहाँ पे जा ही रहा था, तभी मुझे ना फुटस्टेप्स आते हैं दूर से ही। मैं समझ चुका था बंदा आसपास है, पर देखना अभी मेरे से भाई चोट होते होते रह जाती है, ठीक है।
ये बंदा होता ऊपर कंटेनर, मेरी फट जाती है भाई, मैं मरने वाला हूँ। तभी इस बंदे को पता नहीं क्या दिखता है, ये इसको पेल देता हूँ मैं, फट आराम से पेलता हूँ। और देखना भाई इसका टीममेट कहाँ बैठा रहेगा, बेचारा दया तो नहीं आया मुझे, बेचारा तो क्या ही बोले। अब देखो इसका टीममेट कहाँ ही छुपा है। तो अब मुझे इसे लूटना था, ठीक है, और मैं जा रहा था इसके ऊपर, तभी ये बंदा दिखता। अभी इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे मिलता है हेलमेट, हेलमेट में पहनता हूँ और फटाफट लूटता हूँ उस बंदे को। सो गाइस, जिस बंदे को मैंने मारा था उस बंदे के क्रेट से मुझे मिल जाती है M4+6X। तो गाइस अब मेरे को सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं जाता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ और बगल में ही बंदा भाग रहा होता है, देखना। अभी मैं पहले तो 6X को 3X में कन्वर्ट करता हूँ। अब रिकॉइल चेक करो गाइस, ये है रिकॉइल, ठीक है, पबजी पीसी का रिकॉइल ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डैमेज तो देता हूँ, 2 गोली का डैमेज पड़ता बेचारे को। अभी भागने लगता है, तभी मैं इसको टैप टैप करने के लिए मारता हूँ और ये नॉक हो जाता है, और मैं इसे पूरा फिनिश कर दूँगा। फिनिश करते ही रिलोड करता हूँ, ऑटो पे करता हूँ फटाफट से गन, भाई ने तो दिक्कत हो जाएगी अगर सिंगल मोड पे रहा तो। ऑटो पे करता हूँ, इस बंदे को लूटता हूँ और आगे बढ़ते हैं भाई, आगे भी बंदे हैं। तो गाइस गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आता हूँ, जिस इस बंदे को मैं मार दिया होता हूँ, ठीक है, इसको लूटता हूँ। तभी भाई पता नहीं कहाँ से पड़ती है, पता नहीं कौन सी गन चला रहा था, मिनी चला रहा था या VSS चला था, भाई मुझे इसका पोजीशन नहीं पता चलता था, क्योंकि भाई अलग ही साउंड ही नहीं आ रहे थे ढंग से, भाई कहाँ से चला रहा गोली, आवाज़ तो आती है ना। और भाई ये पबजी में और BGMI में अपन को बताता भी है भाई बंदा वहाँ से फायर कर रहा है, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाता, इसको अपन को साउंड को फॉलो करना पड़ता है, मेन साउंड का होता है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ भाई, मार मेरे को मार, कहाँ पे है भाई तू बंदा, मुझे दिखता ही नहीं है। पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है ये जो सामने वाला टावर है वो उसके नीचे से मार रहा है, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि इसको टैप टैप करके मारेंगे, उतने में ही जोन आ जाता है, ठीक है, जोन आता है तो ये बंदा क्या करता है, भागने की कोशिश करता है। अब इसे भी अपन पेल डालेंगे, भाई देखो टैप टैप करने पर कितना अच्छा चलता है गन, अपन ऑटो में नहीं चला सकते भाई, पबजी PC में बिल्कुल मुश्किल है रिकॉइल कंट्रोल करना। तो फटाफट से मैं गाड़ी लेता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं जोन में जा ही रहा था, तभी यहाँ पे एक बंदा दिखता है। अब देखो इस बंदे के साथ क्या होने वाला है, भाई मैं सोचा था गाड़ी से कुचल दूँ, लेकिन ये बंदा भी तगड़ा है भाई, मर जाना चाहिए था ना। अब मैं ये करता हूँ, ये डायरेक्ट इसका वही उड़ा देता हूँ करके, भाई ये पता नहीं मेरे से अपने आप ही हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं करा क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो गाइस ये अपने आप ही हो गया था मुझसे। गाड़ी देखो भाई कहीं जा रही थी, अब भाई गाड़ी चाहिए था क्योंकि मुझे जोन में चाहिए, तो मैं फटाफट से बैंडेज मारता हूँ, इसमें से फर्स्ट एड उठाता हूँ इसके क्रेट से और निकलते फटाफट। सो गाइस यहाँ पे मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकलता हूँ, ठीक है, गाड़ी उठाता हूँ और जोन में निकलता हूँ, तभी यहाँ से फायरिंग आवाज़ आती है। अब इस बंद यहाँ पे एक बंदा नॉक पड़ा रहा था, तो मैं किल चोरी करता हूँ, और किल चोरी के बाद पता चलता है यहाँ पे एक और बंदा है। अब इसको देखो कैसे फाइट लेते हैं इससे, यहाँ पे मैं गाड़ी रोकते ही फटाफट से, ओ भाई ये करता हूँ भाई, पता नहीं मेरे हाथ में क्या रहता है, पर ये बंदा रहता है नूब, ठीक है, अब मैं इसको मार देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने अच्छे खासे 9 किल निकाल लिए थे, जिसमें से 2 बंदे बॉट थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 बंदे बॉट थे और एक ही बंदा नूब था, बाकी भाई मैं प्रो लोगों को मार रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मारने के बाद मैं पता नहीं क्या फालतू काम करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे सामने 2 बंदे देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ उनसे टैप टैप करके फाइट लूँगा, तभी मुझे पीछे से पड़ जाती हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि आपको सबसे पहले मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट।